नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थ प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूँ पांच राज्यों की बड़ी खबरें। महंगे केले के बाद होटल JW मैरिट में बिना होलोग्राम के मिली शराब की बोतलें। बीमारी से हुई मौत पर PGI के डॉक्टरों की तानाशाही, मरीज के परिजन को दी धमकी। हरियाणा में निकला 112 करोड़ का मीटर खरीद घोटाला। करनाल के सिग्नेस अस्पताल में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे सभी मरीज। पंजाब CM कप्तान अमरिंदर सिंह बोले, यदि प्रियंका अध्यक्ष बनी तो हर कांग्रेसी साथ होगा। कपूरथला में 1 किलो हीरोइन के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी। अब विद्यार्थियों को स्कूल में फोन लाना पड़ेगा महंगा। हिमाचल के चिड़ियाघर में अब सुनाई देगी टाइगर की दहाड़। वाहन पार्ट्स चोरी रोकने के लिए पार्ट्स में लगाए जाएंगे QR कोड। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। अब खबरें विस्तार से। होटल JW मैरियट में अभिनेता राहुल बोस से 2 केले के नाम पर GST वसूलने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक नया खुलासा सामने आया है। होटल में शराब की बोतलें बिना होलोग्राम के मिली हैं। बता दें कि चंडीगढ़ में बिना होलोग्राम के शराब की बोतलें नहीं बेची जा सकती। ऐसा करना एक्साइज एक्ट का उल्लंघन है। अक्सर ऐसा शराब की तस्करी के लिए होता है। बिना होलोग्राम वाली बोतलों से ही होटल में शराब परोसी जाती है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की रेड में 34 ऐसी शराब की बोतलें मिली हैं जिन पर होलोग्राम ही नहीं है। डिपार्टमेंट ने JW मैरियट का चलान कर दिया है। इसके अलावा होटल से पेनल्टी भी वसूल की जाएगी। जीरकपुर की 80 साल की महिला को तबीयत बिगड़ने के बाद पिछले हफ्ते PGI की इमरजेंसी में दाखिल करवाया गया था। 1 दिन के इलाज के बाद बुजुर्ग का निधन हो गया। डॉक्टरों ने इस केस को MLC बना दिया। इसके बाद मृत के परिजनों ने जीरकपुर पुलिस से लिखवाया कि उन्हें उनकी मां का शरीर दिया जाए। इसके बाद 3-4 दिन बाद डेड बॉडी को परिजनों को सौंपा गया। हरियाणा के बिजली निगम में 112 करोड़ 99 लाख रुपए का मीटर खरीद घोटाला सामने आया है। विजिलेंस जांच में चीफ इंजीनियर और 3 SI समेत 7 अधिकारियों को दोषी माना गया है, लेकिन जांच रिपोर्ट मिलने के 2 माह बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिजली निगम की MM विंग ने साल 2014-15 में 2 कंपनियों से सिंगल फेज मीटर खरीदे थे, जिसमें यह गड़बड़ी मिली है। अनियमितता की बरत कर न केवल 2 कंपनियों को करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया, बल्कि बिजली निगम और उपभोक्ताओं को भी चूना लगाया गया है। रेलवे रोड स्थित संजीव बंसल सिग्नेस अस्पताल में रात 8:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान पूरे अस्पताल की बिजली गुल हो गई और अंधेरा छा गया। जैसे ही धुआं उठा तो मरीजों और स्टाफ सदस्यों ने भगदड़ मच गई। स्टाफ सदस्यों ने अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन यंत्र काम नहीं कर पाए। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति के बीच सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सबसे उपयुक्त बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर प्रियंका को कमान सौंपी जाती है तो हर कांग्रेसी साथ होगा। काउंटर इंटेलिजेंस विंग की जालंधर टीम ने कपूरथला जिले के थाना सुल्तानपुर लोधी इलाके में से 1 किलो हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोटोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्कूलों में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन लाने वाले विद्यार्थियों की प्रार्थना सभा के दौरान क्लास लगाई जाएगी, साथ ही उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मंगलवार से सुबह के सभी स्कूलों में मोबाइल फ़ोन की धर पकड़ के लिए विशेष अभियान शुरू होगा। तलाशी के दौरान विद्यार्थियों के पास मिलने वाले स्मार्टफोन जब्त कर लिए जाएंगे। संबंधित विद्यार्थी के अभिभावक के स्कूल आने के बाद ही जब्त फ़ोन वापस किया जाएगा। आज वर्ल्ड टाइगर डे है। विश्व में टाइगरों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकारों की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल में टाइगर और शेर नहीं पाए जाते, ऐसे में यहां के चिड़ियाघरों में टाइगरों को लाने के प्रोसेस शुरू किया गया है। अब आने वाले समय में हिमाचल के पहाड़ों व चिड़ियाघरों में टाइगरों की दहाड़ सुनाई देगी।
अक्टूबर के बाद बनने वाले सभी वाहनों के प्रमुख पार्ट्स में QR कोड जरूरी हो जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय सितंबर में सभी वाहन निर्माताओं को निर्देश जारी करेगा। यह कोड सामान्य तौर पर नहीं दिखेगा, इसे अल्ट्रा वॉलेट किरणों की मदद से जांचा जा सकेगा। इससे वाहन की पहचान उसके मालिक के साथ हो सकेगी। चोरी किया पार्ट्स दूसरी गाड़ी में लगाने से चोरी भी पकड़ी जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से नेताओं का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी आप पार्टी के दो नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अभी तक पार्टी के कई बड़े चेहरों को भाजपा अपनी ओर खींचने में कामयाब हुई है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे पांच राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।